आज बनाते हैं फटाफट से सोया चाप बिरयानी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सोया चाप लिया है, फिर दही लिया है लगभग 150 ग्राम, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स डाले हैं। यहाँ पर ये इलायची है 2 से 3 और 4 से 5 लौंग है, काली मिर्च है, पानी डाल के इसे फिर मिला लिया है। देन मैंने सोया चाप को फ्राई कर लिया है और फ्राई करके उन्हें रख दिया। यहाँ पे मैं चढ़ाऊँगी चावल, मैंने बासमती राइस लिया है, तो यहाँ पे भी आप किसी कपड़े में भी ये खड़े मसाले डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिया, हल्का सा सॉल्ट डाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम चावल को यहाँ पे रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पे मैंने प्याज भी फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया जो हमने दही वाला मसाला बनाया था। यहाँ पे तेल रिलीज़ होने तक मसाले को पका लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे सोया चाप अपनी और सोया चाप को भी थोड़ा अच्छे से पका लेंगे इसमें पानी डाल के, जब तक ये पक नहीं जाती है और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसकी लेयरिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जिसमें चावल पकाए थे उसी बर्तन में मैं यहाँ पे लेयरिंग कर रही हूँ। तो पहले मैंने सोया चाप डाला, उसके बाद चावल, उसके बाद सोया चाप, उसके बाद चावल। यहाँ पे मेरे पे फूड कलर नहीं था तो मैंने बीट रूट जूस का यूज़ किया है, बीट रूट को अच्छे से घिस के, क्योंकि फूड कलर मेरे पास था नहीं तो बस लुकिंग वाइज। और यहाँ पे मैंने डाला है फ्राइड ऑनियन और इसको ढक के रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद देखो कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी, वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। और आप ऐसे घर पे बना सकते हो इसको, और इसकी लुकिंग देखो कितनी अच्छी लगी। मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर ली और मेरी बहन टेस्ट करके बता रही है बहुत अच्छी बनी।